हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज ऑफ़ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर पीसीआर। तो हमें यहाँ पे पूछा है कि पीसीआर के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होता है ठीक है जो ऑप्शंस में गिवन है उनमें से बताना है तो पीसीआर की अगर हम बात करें तो इट स्टैंड फॉर फॉलोइंग रेस चेन रिएक्शन ठीक है चेन रिएक्शन इसमें basically क्या करते हैं हमारा जो टारगेट डीएनए होता है उसकी मल्टीपल कॉपीज की फॉर्मेशन करते हैं हम ठीक है यानी एम्प्लीफिकेशन करते हैं हम ठीक है अब उसके लिए कुछ तीन स्टेप्स हम फॉलो करते हैं थ्री स्टेप्स फॉलो करते हैं पहला स्टेप जो है उसको हम कहते हैं डी नेचुरेशन जिसमें फॉर एग्जाम्पल हमने एक डीएनए लिया है ठीक है तो डी नेचुरेशन में हम क्या करेंगे इसको सेपरेट कर देंगे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे यानी हीट प्रोवाइड करके हम क्या करते हैं इनको सेपरेट कर देते हैं सेकेंड स्टेप हम करते हैं जिसमें जिसको हम कहते हैं एनीलिंग 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 में क्या करेंगे जैसे ये सेपरेटेड स्ट्रैंड्स है ये सेपरेटेड स्ट्रैंड्स है इनके ऊपर हम क्या लगाएंगे प्राइमर्स लगाएंगे प्राइमर्स यूज करेंगे सो so, प्राइमर्स क्या होते हैं बेसिकली स्मॉल केमिकली ऑलिगोन्यूक्टाइड होते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जिस जिस रीजन रीजन पे वो जिस region के सॉरी जिस डीएनए के रीजन पे वो लगाए जाते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो सेट ऑफ प्राइमर्स हम यूज करते हैं ठीक है थर्ड स्टेप हम करते हैं वो है एक्सटेंशन एक्सटेंशन करते हैं एक्सटेंशन में हम क्या करते हैं टैक्ट पॉलीमरेज यानी पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड का फॉर्मेशन करते हैं दोनों साइड कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड का फॉर्मेशन करते हैं ठीक है तो इससे हम क्या करते हैं मल्टीपल कॉपीज फॉर्म कर सकते हैं एम्पलीफाई कर सकते हैं हमारे टारगेट डीएनए को ठीक है ऑप्शन देखते हैं फॉलीमरीज यूज कर रहे हैं हम प्राइमर्स भी यूज कर रहे हैं हम एंड ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड्स अगेन प्राइमर्स क्या है दे आर स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड्स ओनली ठीक है सो so, ये भी हम यूज कर रहे हैं तो ऑल ऑफ दीज जो है हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको ट्वेल्थ की न्यू एनसीआर में पेज नंबर वन सेवेंटी थ्री पे मिलेगी आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है